हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मेरे चैनल का नाम है प्रिया सेज। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि क्यों मैं वीडियोस नहीं बना रही। बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे कमेंट्स कर रही हैं कि आपने अपने ट्रीटमेंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर आए हैं ट्विंस और मैं मम्मी बनी हूँ ट्विंस बॉयज की। और जब मम्मी बन जाओ तो, और मैं नई नई मम्मी बनी हूँ, तो बहुत काम होता है भाई। बच्चे हिलने नहीं देते, कोई काम नहीं करने देते। आज भी बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग शूट कर लूँ, थोड़ा सा कनेक्ट कर लूँ, तो फिर से मैं प्रॉपर अपने वीडियोस बनाऊँगी। आज ही का दिन मैंने क्यों चुना है वो आपको आगे पता चलेगा। तो मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। कमेंट्स आप कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हो, मैं सबको सब कुछ बताऊंगी। मेरा खुद दिल करता है कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मुझे, मैंने क्या ट्रीटमेंट करवाया, क्या वो पेनलेस था, पेनफुल था, सब कुछ प्रॉपर बताऊंगी, रिव्यूज़ करेंगे। तो आज शूट करते हैं एक व्लॉग। क्यों कर रही हूँ आगे देखिए, और आगे चल के मैं आपको अपने बच्चों से भी मिलवाती हूँ, तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज है 25 फरवरी और आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे, इसलिए मैंने ये वाला दिन चूज़ किया था व्लॉग बनाने के लिए। और मिलिए मेरे बेटे से, ये है मेरा ट्विन वन। जब हम ये NACU में थे तो कोई नाम नहीं रखा था, तो इनको वो ट्विन वन और ट्विन टू ही कहते थे। तो हम इनको जब छेड़ते हैं तो ऐसे ही, मतलब कई बार हम ऐसे ही कहते हैं कि ट्विन वन कहाँ गया, टू कहाँ गया। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कहीं लेके जाओ घुमाने, आज आपका बर्थडे है। तो मम्मी लोग बोल रहे हैं हमने नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन मैं उनको कही हूँ कि नहीं चलो। ये है मेरा ट्विन टू, ये सो रहा था और तभी मुझे आवाज़ आई और मैं भागी भागी गई। ये भाई साहब जाग रहे थे। सोना बेबी उठ गया, उठ गया माँ के लिए। ये क्या, ये क्या, ये क्या? अभी अभी शो के उठे हम, है ना, बाद में बात करेंगे। मैं बाद में हेलो करूंगा सबको, मैं अभी अभी होता हूँ, है ना। चल हेलो। हेलो, अब आए हुए हैं बाहर। रोएगा तो नहीं? नहीं, कौन है ये, कौन है? मम्मी ननू, ननू इधर देख। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग हमारा प्लान बना कि हम चने भटूरे खाएंगे। और यहाँ पे मैं इंस्टेंट भटूरे बना रही हूँ, चने तो बना ही लिए थे, जैसे नॉर्मल बनते हैं उतने इंस्टेंट नहीं बनेंगे। और ये भटूरे का आटा ना मैं इंस्टेंट लगा रही हूँ, इसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है। और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच दही के, यहाँ पे मैंने 1 ही चम्मच भर के ले लिया, लेकिन ये है 2 चम्मच नॉर्मली जैसे हम खाना खाते हैं वो वाले चम्मच है। इसमें थोड़ी सी हम सूजी डाल देंगे, तो सूजी से ना क्रिस्प अच्छा आता है इसमें। देखो मैंने इतनी सी सूजी डाली है, तो और इसमें थोड़ा सा हम जैसे नमक डालेंगे, बस कुछ लोग अजवाइन भी डाल देते हैं लेकिन मैं नहीं डालती, मैं तो सिर्फ नमक ही डालती हूँ। थोड़ा सा इसमें हम अपना रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, तो और ना इसको ना जैसे नॉर्मल रोटी का आटा होता है ना, इतना ही इनको ढीला रखना है, ज़्यादा हमने टाइट नहीं करना। जैसे हम रात को बनाते हैं तो फिर काफ़ी टाइट करते हैं ना, कि सुबह तक अपने आप ढीला हो जाना है, फूल ही जाना है। और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है, इसमें हम लास्ट में इनो डाल देंगे, इस वजह से इंस्टेंट फूल जाएंगे, जैसे जो भटूरे बनाएंगे ना अच्छे से फूलेंगे। तो अब इसको बस मैं लगा लूँगी। रात को हम गए तो थे घूमने, लेकिन वहाँ पर इतना रश था कि मैं बिल्कुल भी व्लॉग नहीं कर पाई कुछ भी। बच्चे भी थे, और बच्चे भी, एक तो सो गया था छोटा, तो
छोटा ऐसे बोलती हूँ, जैसे बहुत छोटा हो, एक मिनट ही छोटा। तो लक्ष्य सो गया था, नक्श जाग रहा था, तो नक्श को था कि अब मेरा देखना है ये बड़ी सारी चीज़ें, लाइट्स हों, सबको देखने में इसको अच्छा लगता है। फिर मैं कुछ इतना खास व्लॉग किया ही नहीं, बस फिर मैंने कहा चलो आज भी कर ही लेती हूँ, सुबह खाना वगैरह बना रही हूँ। तो ये देखो, ये ना मैं ऐसे मल मल के इसको थोड़ा करना है कि थोड़ा ना ज़ोर ज़ोर से पटक पटक के, जैसे बोलूँ तो पटक पटक के ना इसको अब गूंदोगे ना तो बहुत अच्छे इसके इसमें ना फ्लावट आ जाएगी। अब 10 मिनट के लिए इसको मैं रेस्ट पे रख दूँगी और फिर बनाऊँगी इसके भटूरे। 10 मिनट में मैं कुछ और वही और काम कर लूँगी, मतलब हो जाते हैं। और इसके लिए जो तेल है ना वो एकदम से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गर्म गर्म तेल में ना आप भटूरे ये इसको डालो। अगर ठंडे तेल में डाल दोगे ना फिर वो कच्चा सा रह जाएगा, फिर वो ना अंदर से बहुत गंदा सा लगता है। अब ये देखो, अब मैंने डाला और तेल कितना गर्म है, और अब इसके ऊपर ऐसे मैं साइड साइड से तेल डाल रही हूँ। ये मैंने एक दुकान पे देखा था, हम भटूरे लेने गए थे वहाँ पे ना, वो भैया ऐसे कर रहे थे साइड साइड से ना इसके ऊपर तेल डाल रहे थे। तो मैंने भैया से पूछा ये क्यों, कहते इससे ना अच्छे से फूलेगा। तो ये देखो कितना अच्छा कलर आया इसमें ना, मैंने चीनी नहीं डाली। कुछ लोग ना इसमें 2-4 चुटकी भर से ना चीनी डालते हैं, उससे और भी अच्छा कलर आता है, ब्राउन ब्राउन सा। ये देखो कितना मज़ेदार बना, इतने टेस्टी बने थे ना, बिल्कुल ऑयल नहीं था इसमें। जैसे बहुत बाज़ार के होते हैं, बिल्कुल बाज़ार वाले में कुछ में बड़ा तेल होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं था। ऑयल डाल दिया आँख में, अब ठीक है भाई, ठीक है, अब तो चारा ठीक हो गया। कहाँ कर ले तू, नींदी नहीं आई आपको? नींदी नहीं आई थी? नहीं नींद नहीं आई, छो जो थोड़ी देर। क्या बात करनी है? अब बात नहीं कर रहे, आप कर लो बात। क्या बात कर रहे थे? वाह वाह, कौन कौन क्या कर रहे थे? अभी दांची करनी अभी शायद। अच्छा अच्छा, बाइक बाइक को बाइक चला रहे? अच्छा 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 अच्छा, बाइक ओके ओके, टिक टिक मार रहा है। ओ वाह, अच्छा अच्छा, कहाँ जाना है? जाना है क्या? समोसे लेने जाने? जले जा, मैं 2 खाऊंगी, आप कितने खाओगे? नक्श से पूछ ले, नक्श कितने, नक्श आप कितने खाओगे? कितने चोसे खाओगे आप बता दो, कितने खाओगे हैं? कितने खाओगे बता दे, कितने खाएगा नक्श? नक्श कितने के, तू कितने खाएगा? क्या खाना तूने? पैटी खानी है कि समोसे खाना? क्या खाना? समोसा खाना, आइसक्रीम खानी है? ये खुद खुद को क्या देख रहा है? आई 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 गई 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 गद 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 होती है, गदी होती है। गाना लगाओ, गाना लगाना, पापा कह रहे गाना लगा दे, गाना लगा दे। एक ने सुनना है गाना, क्या ये दास ने गाना सुनना है? डांस करना वही सुन, जो जो आप जा रहे हो अपने बाइक पे, जा रहे हो आप अपने बाइक पे जा रहे हो? ओ ये तो हनुमान जी चल रहे, हनुमान जी चले, कहाँ चले रहे हनुमान जी? ओ फ्लाई करने लगे, फ्लाई करने लगे हनुमान जी। खुशू